अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन विद माय न्यू वीडियो. दिस इज मी सफा जमील. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग. तो आज का व्लॉग द एंड व्लॉग होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपको पाकिस्तान आके बहुत ज़्यादा व्लॉग्स देखने को मिले हैं और अब ये जर्नी यहाँ होती है ख़त्म, क्योंकि मैं वापस जा रही हूँ सऊदीया. और लिटरली बहुत बहुत अच्छा मेरा ट्रिप पाकिस्तान का रहा, बहुत मज़ा आया और अपनी कज़न्स के साथ, अपनी रिलेटिव्स के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे. तो मैं सबको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी. और बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं, अभी अप्रॉक्सीमेटली हम 9 बजे निकलेंगे. हमारी 3:40 की फ़्लाइट है, हमारी लाहौर से फ़्लाइट है, क्योंकि हम लाहौर से आए थे. लाहौर जाएंगे 2 आवर्स का सफ़र करके, देन वहाँ हम लोग डायरेक्ट एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ से इंशाल्लाह फिर सऊदीया डायरेक्ट फ़्लाइट है हमारी. तो इंशाल्लाह अभी हम लोग निकलने लगे हैं और बस अब हम चलते हैं और ये जर्नी अभी यहाँ ख़त्म होती है और सऊदीया की जर्नी शुरू होती है. सो मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद. सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद. तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं अभी यहाँ चाय पी रही हूँ. अभी हम लोग यहाँ निकल चुके हैं और मैंने निकलते हुए वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि आपको पता है कि जब आप लोग कहीं वैसे चले जाओ तो कितना माहौल सेंटी हुआ होता है. तो अभी हम लोग यहाँ मोटरवे पे आए थे और मोटरवे बंद हो चुकी थी बिकॉज ऑफ फॉग, और अभी हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं और हमें उस रास्ते से काफ़ी टाइम लगा. और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फॉग है. हमारी रात की फ़्लाइट थी और आप देख सकते हैं फुल ब्लैंक है, आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा. और अभी हम लोग यहाँ रो कर बैठे हुए थे. तो यहाँ फाइनली अभी हम लोग लाहौर एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं. यहाँ लाहौर एयरपोर्ट आ गए हैं और साथ में मेरी सिस्टर ने भी आना था मेरे से मिलने. और यहाँ अभी अब्दुल मोइज़ मेरे नेफ्यू है. तो अभी हम लोग बस यहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं अंदर. अभी हम लोग यहाँ अंदर आ गए हैं और मेरे हम लोग यहाँ वेटिंग एरिया पे बैठे हैं और मेरे बाबा बोर्डिंग के लिए गए थे और हम यहाँ बस बैठे थे. और मेरी आप आंखें देख सकते हैं अभी तक ऐसी ही थी, क्योंकि अभी हम लोग बाहर से फिर अपनी बहन से मिलकर आए थे. तो अभी यहाँ हमारी बोर्डिंग हो चुकी है और अभी हम लोग पासपोर्ट लेकर अभी अंदर जा रहे थे वेटिंग एरिया में बैठने के लिए. तो अभी कुछ देर पहले ही हमें पता लगा कि हमारी फ़्लाइट डिले हो चुकी है, क्योंकि आपने रास्ते में देखा था कि कितनी ज़्यादा फॉग थी. तो हमारी फ़्लाइट कोई 1 घंटा नहीं, कोई 2 घंटे डिले नहीं हुई थी, बल्कि हमारी फ़्लाइट पूरे 8 घंटे डिले हुई थी. जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि हमारी 3:45 तक की फ़्लाइट थी और हमें हमारी फ़्लाइट हो गई थी सुबह 10 बजे की. तो आप लोग यहाँ से खुद ही देख लेंगे कितना मुश्किल था. तो अभी हम लोग यहाँ CIP लाउंज में आ चुके थे, क्योंकि हमें पता लग चुका था कि हमारी फ़्लाइट डिले हो गई है. यहाँ अभी यहाँ बुफे सिस्टम था पूरा, तो अभी यहाँ हम लोग खाना खा रहे थे, क्योंकि इतनी देर से हम लोगों ने तब से कुछ खाया भी नहीं हुआ था. और अभी हम लोग यहाँ वेटिंग एरिया में बैठे हैं. तो थोड़ी देर बाद भी मैं यहाँ बाहर आई थी कॉफ़ी लेने, और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया था इसीलिए मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द थी, मैंने कॉफ़ी ली. और अभी हम लोग फाइनली इतना ज़्यादा स्टे करने के बाद हम लोग अब नीचे आ गए हैं, क्योंकि हमारी फ़्लाइट आ चुकी थी. अब हम लोग अंदर जाने लगे हैं, क्योंकि पहले आपको पता है कि कितने ज़्यादा आदमी वगैरह होते हैं. तो हम लोग उसके बाद थोड़ी देर बाद गए थे अंदर. अभी हम लोग प्लेन के अंदर आ चुके हैं और मुझे सिर्फ इसी बात का डर होता है, क्योंकि मेरी हमेशा जो सीट होती है वो अलग होती है. लास्ट टाइम भी मेरी सीट अलग थी, लेकिन इस बार भी अलग थी, लेकिन मेरे बाबा मेरी सीट पे बैठ गए थे और मैं उनकी सीट पे बैठ गई थी. और फाइनली इस बार विंडो सीट मेरी बहन को मिल गई थी, तो मैंने यहाँ से वीडियो बना ली.
और यहाँ अभी हम लोग टेक ऑफ कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी फ्लाइट में सोकर आए थे और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, तो अभी हमारा यहाँ ब्रेकफास्ट आया है। तो फाइनली हम लोग यहाँ लैंड हो चुके हैं इतनी थकावट के बाद, इतने लंबे सफ़र के बाद, सियालकोट से लाहौर, फिर लाहौर के बाद इतनी लंबी फ़्लाइट हमारी डिले हो चुकी थी। उसके बाद आगे फिर हम रियाद आए, बहुत बहुत लंबा सफ़र था ये और बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और फाइनली हम लोग रियाद पहुँच चुके हैं। सफ़र था लेकिन और ज़्यादा लंबा हो गया इमिग्रेशन के टाइम, वहाँ इतना ज़्यादा रश, हमें वहाँ 2 आवर्स लगे। फिर अभी हम 2 आवर्स के बाद बाहर आए हैं और हमारे, आप लोग देख सकते हैं, इतना ज़्यादा टाइम लगा कि हम लोगों ने हमारे लगेज उठा के बाहर रख दिए हुए थे। तो अभी हम लोग अपना सामान वगैरह लेके जा रहे हैं फाइनली। तो अभी हम लोग यहाँ बाहर आ चुके हैं और हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे। अगर इसी के साथ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।